हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉट पर। और आज हम बात करते हैं कि किसी भी कंपनी का जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें वीडियो प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं और वीडियो प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड करना है। प्रेजेंटेशन होता क्या है? प्रेजेंटेशन किसी भी कंपनी का एक ब्रीफ प्रोफाइल होता है, उसके बारे में हम बताते हैं कि कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी किसने स्टार्ट की और कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट है, कंपनी के क्या क्या सर्विसेज है। इसमें सबसे मेन पार्ट जो होता है वह होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का। प्रोडक्ट में जैसे मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ, पॉइंटर शॉप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का अगर हम प्रोफाइल बनाते हैं, इसमें सबसे पहले आएगा कि पॉइंटर शॉप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हुई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम था, और आज की डेट में हम जब अपना प्रोफाइल बना रहे हैं तो करंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, करंट वर्थ क्या है हमारी कंपनी की, ये सब आएंगे। और उसके बाद जो होता है वह होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज। हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई भी प्रोफाइल या कोई भी प्रेजेंटेशन तब तक इम्प्रेसिव नहीं होता जब तक उसमें उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को अच्छे से प्रेजेंट न किया जाए। हमारी सर्विसेज है जैसे डोमेन रजिस्ट्रेशन, हम डोमेन रजिस्ट्रेशन करते हैं जैसे www.abccompany.com। किसी भी कंपनी की जब वेबसाइट बनती है तो उसका डोमेन सबसे जरूरी होता है। उसके बाद हमारी सेकंड सर्विस है होस्टिंग। होस्टिंग जो एक सर्वर होता है जहां पर आपकी फाइलें रखी जाती है, डोमेन का होस्टिंग से कनेक्शन करके ही वेबसाइट का अपलोड कंप्लीट होता है। बिना होस्टिंग के वेबसाइट रन नहीं हो सकती, इसलिए सेकंड सर्विस हमारी होस्टिंग ही है। उसके बाद वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। वेबसाइट कितने टाइप की होती है, जैसे स्टैटिक वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट है, या बिजनेस प्रोफाइल वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS है। ये सभी वेबसाइट्स के जो टाइप है इनको अच्छे से डिटेल में अगर हम डालते हैं तो प्रेजेंटेशन में जान आ जाएगी, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। स्टैटिक वेबसाइट के बारे में कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट के क्या क्या बेनिफिट है, और स्टैटिक वेबसाइट किन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी होती है। ऐसे ही डायनेमिक वेबसाइट, ऐसे ही ई कॉमर्स वेबसाइट, ऐसे ही कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद पोर्टल डेवलपमेंट की बात आती है कि पोर्टल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। कोई भी जब हम पोर्टल बनाते हैं तो उसको एक एडमिन के थ्रू मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, जैसे न्यूज पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, मैरिज पोर्टल है, इस टाइप के सभी पोर्टल हम बनाते हैं। और इसको अच्छे से अगर हम बताएं अपने प्रेजेंटेशन में तो ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होगा। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज होती है, जैसे SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के क्या क्या बेनिफिट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने का क्या प्रोसीजर है, ये सभी चीजें हम डिटेल में अपने प्रेजेंटेशन में डालें तो ये अच्छा माना जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, या फिर गूगल एडवर्ड, गूगल एड्स, फेसबुक एडवर्ड, फेसबुक एड्स, ये सभी चीजें हम अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करें, क्योंकि जो भी हमारी सर्विसेज है वह सभी सर्विसेज हमारे प्रेजेंटेशन में ऐड होनी चाहिए। अगर हम अपनी सर्विसेज को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड नहीं करेंगे तो प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। और प्रेजेंटेशन में ये सब सर्विसेज और प्रोडक्ट ऐड करने के बाद जो पार्ट आता है वह होता है क्लाइंट्स का, कि हमारे कौन कौन क्लाइंट है, और जो अच्छे क्लाइंट है उनको प्रायोरिटी पर ऊपर रखे, जो थोड़ा लो लेवल के क्लाइंट है उनको थोड़ा नीचे आप दिखा सकते हैं। उसके बाद व्हाई पॉइंटर शॉप, पॉइंटर शॉप को ही आप क्यों सिलेक्ट करें, या किसी भी कंपनी को आप क्यों सिलेक्ट करें, उसके लिए आप वह अच्छे से बनाएं। अपना जो स्ट्रेंथ है, अपने जो प्लस पॉइंट है, वह आप अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करें। उसके बाद आप अपना जो कॉन्टेक्ट अस और इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है कि जिसके थ्रू सामने वाला आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, वह सब डाले और एक थैंक यू मैसेज जरूर दे। इससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वह इम्प्रेसिव बनेगा, अच्छा बनेगा। अगर आप अपना वीडियो प्रेजेंटेशन बनवाना चाहते हैं तो एक बार हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।